नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज है थर्सडे, मेरी पूजा पाठ सब हो चुकी है, नाश्ता भी हो चुका है, बच्चे गए ट्यूशन। अब बारिश तो पूछिए मत, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी हो चुका है मुंबई में, और छुट्टी चल रही है बच्चों की स्कूल की। कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, देखते हैं। बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसा समझ लो मामूली है ही। इतनी बारिश जब ऐसी होती है ना, इतना अंधेरा कि रास्ते भी बेकार हो जाता है, यहाँ पर ऐसा हो जाता है। तो ठंडी भी लग रही है, ठंड का मौसम हो गया है जैसे, और मेरी सर्दी तो जा ही नहीं रही है। और क्या आज काम, सब कपड़े इधर जो पड़े हुए हैं आप लोग देख रहे हैं, इसे उतारना है जो सूख गया है, और जो है सब टालना भी है। तो यही सब चल रहा है। और ये देखिए, इनका देखिए, इनका राज आ गया है, जाना था इनको। आप इतनी बारिश हो रही है, आप कब जाओगे? साढ़े दस बजे जाने के लिए बोल रहे हैं, 10 बज चुका, आधा घंटा और है। आज मैं चाय नहीं पीऊँ तो मन अजीब सा लग रहा है, इनकी वजह से चिल्लाएंगे अभी। तो जाएंगे तब चाय बनाओ चोरी से, और आप लोग देखेंगे, आप लोग जानेंगे। ये जाए तब, याद लेट जा रहे थे जल्दी, बट लेट हो जाना है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही है इस वजह से। और आज मैंने ये पहना है, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। बारिश थी, घर में थी तो मैंने पहन लेती, मैं बाहर पहन के नहीं निकलती, बहुत साल हो गए। ये मेरी फ्रेंड और मैंने साथ में लिया था सेम टू सेम, वो उनका पहनना है, उन्होंने शायद पहन डाला कि है, शायद बोल रही थी अपनी बेटी आरुषि को देंगी पहनने के लिए, क्या पता आरुषि इसे पहनती नहीं है और ना पहनेगी, तो हम ही लोग पहनेंगे, उनका पता नहीं। वीडियो देख रहे होंगे तो शायद कमेंट करें या बाद में बताएं। ये सब है, हम सिलाई करने के लिए सोच रहे थे, जहाँ बैठूँ मन ही नहीं कर रहा है, अजीब सा और ऐसा लग रहा है कुछ मैं खा लूँ चटपटा चीज़, बारिश का मौसम है, बट मैं बनाऊँगी नहीं ऑयली चीज़ क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बंद कर दूँ। ऐसे वैसे भी बन ही जाता है बच्चों के लिए, तो एक एक दो दो हम लोग ले भी लेते हैं, ऐसा नहीं नहीं ले लेते हैं, ले के खा लेते हैं, ठूस लेते हैं। तो डस्टर आ गया है, मंडे को आ गया था, चालू है पढ़ाई, कल तो नहीं हुई थी पढ़ाई, कल लेट हो रहा था, बारिश बहुत ज़्यादा थी तो सबको ये लेट आए थे, दोबारा गए थे काम पे इस वजह से। मैं बहुत बकबक कर ली, 3 मिनट होने वाले हैं ये, तो लाइट की वजह से अच्छा वीडियो आ रहा है, नहीं तो बहुत बेकार आता था। तो जब वीडियो बनाना होता है तो ना आप सब सामने में लाइट चालू कर देते हैं, वो लोग नहीं है ट्यूशन में, तो मैं चालू की हूँ, उसके बाद ये लाइट बंद हो जाती है क्योंकि बहुत बड़ी लाइट है, तो सामने ऐसा आता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मेरा जो रेगुलर का लाइट था मैं वही चालू करती हूँ अभी भी, बस वीडियो वगैरह किसी के लिए। और ट्राईपोर्ड मेरा बन गया, मैं उतना खुश थी, आप लोग तो उस वीडियो में देखे ही, बस 10 रुपये ही लगे उसमें, मैं तो सोची थी बहुत ज़्यादा लगेगा ये वो, उसमें कुछ करना नहीं था, बस एक कुछ रहता है अंदर, वायर ही निकल गया था, उसे ही बस वो करना था, जोड़ना नहीं तो क्या बोलते, कुछ चुपका रहता है कुछ वही करना था, तो वही बस 10 रुपये लगे, उसने तुरंत करके दे दिया और चालू हो गया। आप लोग ने देखा ही, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो किचन में ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि किचन में वहाँ पर अंधेरा ही दिखता है लाइट चालू करने के बाद भी, मतलब आता नहीं है सही से वीडियो, और रिंग लाइट रहेगी तो अच्छा आएगा। तो यहाँ का तो सेट हो चुका है, वहाँ का वो भी हो चुका है, तो थैंक यू आप लोगों का, दिल से धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मैंने उससे कुछ टाइम के बाद 4 मिनट तो ऐसे ही हो गया, आप लोगों के साथ बकबक करते हुए बोलेंगे कितना बकबक कर रही है आज, तो करने बैठो तो बहुत पूरी दिन बीत जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए, जो भी रहेगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, वीडियो बड़ा नहीं करना है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी अभी चाय बन रही है, और मैं यहाँ पे बाजू में भुट्टा के जो दाने हैं मैं निकाल कर से भून रही हूँ, चाय के साथ मेरा फेवरेट है, आप लोगों को तो पता ही है, जब तक सीजन है तो अच्छा भी लगता है, तो वही मैं बना रही हूँ। अभी हस्बैंड जी रेडी हो रहे थे, मतलब अब तक मैं अपना किचन में काम कर लूँ, अभी जाएंगे वो काम पे अपना,
तो मुझे ना अदरक और काली मिर्च डाल के चाय पसंद है, मुझे फीकी चाय पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा यूट्यूबर पसंद है, तो इसलिए कुछ बातें कर रही थी अपने अकाउंट से, कुछ हम अपने ये यूट्यूब पे कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, कैसे होता है ये बोल रहे थे, वही वही सब कुछ स्ट्रगल बहुत है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। आ गए हैं तो भी आ गए हैं यहाँ पे, तो फिर क्या करें, लगे हैं बस, सबका सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए भुट्टा भून रही हूँ, यहाँ पे चाय रखा है, बन जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा ना चाय भी बन गया है और ये भी भुन गया है। अब इसमें मैं देखिए ये एकदम मसाला डालती हूँ, ये है अदरक नहीं सॉरी लहसुन मिर्च और नमक है, इसको मैंने ऐसे दरदरा कूट लिया है। अब मैं इसमें डाल के मिक्स करूँगी और मैं ज़रा सा भी ऑयल नहीं डालती हूँ, आप लोगों ने देखा है, इसे डाल के उसे मिक्स करके चलाकर गैस बंद कर दीजिए। मिर्ची का झार भी नहीं आएगा और इसमें पूरा लग भी जाएगा अच्छे से। थोड़ा सा और मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए, मन कर रहा है, तो देखिए। तो चलिए निकाल के फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स चाय निकल गई है और ये मेरा है, और आप लोग भी आइए साथ में, हम तीनों का चाय है। और इधर ये पतिदेव के लिए मैंने इतना रख दिया है और चाय भी रख दिया है थोड़ा सा, आएंगे एक डेढ़ दो घंटे में आएंगे तो उनको दे दूंगी मैं गर्म करके, अब तक हम पी लेते हैं और आप भी आइए। तो फ्रेंड्स आइए चाय बिस्किट के साथ यहाँ पर, इतनी बारिश हो रही है ना मम्मी, मैं डर गया, बहुत ही ज़्यादा। रुकिए मैं आप लोगों को सामने से दिखाती हूँ, सच में हम लोग कंटाल आ गए, एकदम परेशान हो गए बारिश से। ऐसे ही कंटिन्यू है, एकदम दिमाग खराब हो गया। काश जिसकी तरफ बारिश नहीं रुक, उधर चले जाओ भगवान जी। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरे पति देव को पूरा जला के रख दे, इसमें कौन ये भूलता है, मकाई इसमें कौन भूलता है कटोरी में, आप लोग बताना। ये भूल के रखे अभी, अरे यार, अरे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक गई कितना टाइम में छूटे, नहीं छूट गया एक यार। नहीं छूटे छूट की फोड़ दूं मन कर, अरे यार ऐसा नहीं बोलते, हटो पापा ही मारेंगे, अरे हटो ऐसा, आज से पढ़े हो स्कूल में पढ़ाई है नहीं, हां नहीं हां क्या चल फ्रेंड्स, अब मैं चलूँ इसे धोऊँ, बहुत गुस्सा रहा, इसमें नहीं कर सकते थे यहीं रखा था, क्योंकि इतने सारे सब काम है, कुछ सिलाई करके हटो फिर ये, चलो मैं फटाफट काम पे लगती हूँ, जल्दी जल्दी पोहा बनाना है, मैंने मटर भिगो दिया है, ये डालूँगी पोहा बना देती हूँ, चाय और सबका नाश्ता हो जाएगा, सब बर्तन दोपहर के धुलना है। देखिए 5:30 हो गए, अब 6:30 बजे मुझे जाना है डांस क्लास छोड़ने, मंदिर भी जाना है, सब फटाफट साफ करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अभी थोड़ा स्पीड मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही वीडियो बड़ा हो जाता है इस वजह से, तो मैं यहाँ पे अभी कांदा कट कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ चूरा मटर अपने यूपी स्टाइल में, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे चूरा मटर, मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसे भिगा दी थी मॉर्निंग में, मैं सोची थी शाम को कुछ ना कुछ नाश्ता ज़रूर बनाऊँगी, तो मैं वही अपना ये देखिए मैं अपने लिए सिली हूँ, तो ससांग मुझे बोल रहा है मम्मी पहन लो, तो ये लाया है मुझे पहनाने के लिए, तो ऐसा बांध लो ना तो अच्छा रहता है किचन में काम करने के लिए, कि पूरा कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं, बर्तन वर्तन धुलने में पानी वगैरह भी नहीं लगता है, तो ये मुझे पहना रहा है, तो मम्मी आप बनाई हैं तो कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर मेरा रेडी हो चुका है और मैं निकाल दी हूँ, आइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाते हैं। इसमें मैं डाल दूँगी ऊपर से प्याज और धनिया पत्ता डालूँ और मैं नींबू का रस डालूँगी, उसमें थोड़ा अच्छा अलग सा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, तो नींबू डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो है मेरे महाराज का है, उनके लिए नींबू ज़्यादा डालना था मुझे, तो मैं उनको नींबू डाली, बच्चों से पूछी कांदा लेना है, तुम लोगों को तो बोले हाँ ठीक है, तो लोग चूरा मटर नहीं खाते, इनको पसंद नहीं है, वैसे ही पोहा ऐसे ही बना दूँगी तो खा लेंगे, तो लोग खाए भी नहीं थे, बाद में मुझे ही खाना पड़ा। आइए आप लोग भी गर्मा गर्म खा लेते हैं, आप भी आइए। और यहाँ पे हम खाने बैठे हैं, मैं उसको निकाली नहीं थी जो मैंने अपने लिए सीना पहनी हूँ ना, मैं निकाली थी क्योंकि मुझे बर्तन धुलना था इसलिए। तो मैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी आप लोगों के साथ, थैंक यू सो मच, इसका अगला पार्ट भी आएगा।